दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने बनाया है एक फ्रंट व्हील ड्राइव स्टीयरिंग सिस्टम। तो बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं कैसे मैंने इसे बनाया है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं गियर मोटर को ले लेता हूँ। आप कोई सी भी मोटर यूज़ कर सकते हो, ड्यूल शाफ्ट वाली। उसके बाद दो इस प्रकार की शीटें हमें पीवीसी शीट से कट कर लेनी है और उन्हें गियर मोटर के ऊपर कुछ इस प्रकार से हैवी पिप की मदद से चिपकाना है। ध्यान रखना दोस्तों, ये शीटें एकदम सीधी चिपके। इसके बाद मैं नीचे वाली शीट को भी ऐसे चिपका दूंगा। इस पर मेटल मशीन के द्वारा छेद कर रहा हूँ इसे मजबूती देने के लिए। दोस्तों, जो आपको छेद है वो बड़ी सावधानी से करने हैं, क्योंकि जो इसमें हमारे गियर होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। छेद करने के बाद दोस्तों, मैं इसमें स्क्रू कसने वाला हूँ। देखिए किस प्रकार से मैं इसमें छोटे छोटे स्क्रू कसूँगा अभी। ये देखिए दोस्तों, मैं इसमें इस प्रकार के स्क्रू कस रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने जो स्क्रू करके इसको तैयार कर लिया है। इसके बाद मैं एक स्केच पेन की बॉडी लूँगा खाली, उसको आगे से कुछ इस प्रकार से कट करूँगा ताकि वो मोटर की शाफ्ट पर एकदम फिट बैठे। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें कुछ इस प्रकार से लगा दिया है, उसे पीछे की तरफ से मैं कट कर लूँगा। अब मैं पीवीसी शीट से एक टुकड़ा काटूँगा जिससे मैं इस प्रकार से यहाँ फिट करूँगा। उससे पहले मैं इसके बीच में छेद करूँगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस कुछ इस प्रकार का छेद कर लिया है जो कि इस स्केच पेन की बॉडी में सही लग रहा है। अब मैं इसे यहाँ चिपकाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, दोनों तरफ मैंने इस प्रकार के टुकड़ों को जो है चिपका लिया है। अब जो हमारी स्केच पेन की बॉडी है, हम दूसरी तरफ से कुछ इस प्रकार से काटेंगे। आप कटरी या सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसको ऐसे काट सकते हो। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे काट लिया है ऐसा। दोनों साइड की तरफ मैंने इसे बना लिया है। अब मैं एक पाइप का टुकड़ा लूँगा जिसमें दो किले को इसी प्रकार लगा दूँगा। ये दोस्तों देखिए, हमारा प्लस का साइन जैसे बन चुका है। इसे हम उनके बीच में लगाएंगे जो हमने अभी स्केच पेन की बॉडी से तैयार किया है। ये देखिए ऐसे लगेगा। उससे पहले हम एक और पाइप का टुकड़ा लेंगे जिसमें कुछ इस प्रकार से बैरिंग को लगा देंगे। जो हमारे स्केच पेन की बॉडी कैप है उसके बीच में हम छेद करने वाले हैं, जिसमें हम अभी पाइप को लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं इसमें छेद कर रहा हूँ। मैं फटाफट छेद करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो जिस प्रकार का छेद करना है आपको। अब जो ये हमारी पाइप है, ये देखिए दोस्तों, इसमें फिट आ रही है एकदम। अब जो हमने इस बॉडी पे जो ये यूनिवर्सल जॉइंट बनाया है, ऐसा ही सेम इसके ऊपर बनाना है हमें। अब मैं इसे फटाफट कटर की मदद से बना लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसको बनाने के बाद मैंने इसे सोल्डरिंग आयरन की मदद से फिनिश दे दी है। अब हम इसे कुछ इस प्रकार से यहाँ लगाने वाले हैं। दूसरी तरफ भी हम बिल्कुल ऐसा ही बना लेंगे। जो हमारा स्टीयरिंग सिस्टम का जो आधा काम है वो हो चुका है। अब हम आगे के लिए इसका स्टीयरिंग सिस्टम बनाने वाले हैं। ये जो बैरिंग है दोस्तों, आप देख रहे हो, ये आपको किसी भी मोटर रिपेयरिंग शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। अब मैं पीवीसी से चार टुकड़े काटूंगा जो कि आपको दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार के हमें काटने पड़ेंगे। इन टुकड़ों को हम इस प्रकार से यहाँ असेंबल करने वाले हैं फेविक की मदद से। ये देखिए दोस्तों, मैंने इन्हें चिपका दिया है। ये देखिए दोस्तों, चारों टुकड़ों को मैंने कुछ इस प्रकार से चिपकाया है। अब मैं चार टुकड़े कुछ और लूँगा जो कि हमें हमारे यहाँ पर फिट होंगे, जो इसे मूव करवाएंगे। उससे पहले हम इसके बीच में एक छेद निकालने वाले हैं हमारे बेयरिंग के साइज़ का। ये देखिए दोस्तों, दोनों तरफ के लिए टुकड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हमें जो दो टुकड़े हमारे बच चुके हैं उनमें हमें पाइप के साइज़ का छेद निकालना है। वीडियो में आपको बताऊंगा आगे मैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम इन्हें फेविक्विक की मदद से यहाँ पर चिपका देंगे ताकि जो हमारा बेयरिंग है चलते समय बाहर ना निकले। ये देखिए, ये जो हमारा फ्रीली मूव कर रहा है इसमें। अब हम इसके एक तरफ छोटा टुकड़ा लगाएंगे फेविक्विक की मदद से और दूसरी तरफ हम बड़ी स्ट्रिप लगाएंगे जिसमें हमारी जो स्टीयरिंग की शाफ्ट, स्टीयरिंग को मोड़ने वाली शाफ्ट है वो लगेगी। ये देखिए दोस्तों, अब मैं इनमें ड्रिल मशीन के द्वारा छेद करूंगा और इसमें स्क्रू लगा दूंगा। ये देखिए दोस्तों, जिसमें टायर है मैंने लगा दिए हैं और स्टीयरिंग के लिए जो शाफ्ट है वो भी मैंने लगा दी है। ये आप किसी भी चीज़ से बना सकते हो स्टीयरिंग शाफ्ट, मैंने मेटल की बनाई है। ये देखिए कितनी बड़ी बढ़िया तरीके से जो हमारा स्टीयरिंग सिस्टम है वर्क कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना।